वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम अक्षय मौर्य। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ थर्ड लेक्चर ऑन अ पॉलिटी ऑन अ अभिनंदन सीरीज। दिस सीरीज इज पर्टिकुलरली डेडिकेटेड फॉर एफकेट एंड अदर एग्जाम, वन डे एग्जाम्स ऑल्सो। तो आप सब जुड़े रहे सीरीज से, कुछ ना कुछ नया तो जानने मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को एक अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनने 14 जनवरी को अनाउंसमेंट किया है स्वच्छ मंदिर अभियान, हर टेंपल को साफ करने का। तो इस अभियान को और बेहतर बनाने के लिए हमने डिसीजंस लिए हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए मंदिर क्या है, जहां आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप उसे भी साफ करें, क्योंकि वो आपके लिए मेन मंदिर है जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि ऑनरेबल मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये बोला गया है कि स्वच्छ मंदिर अभियान, तो जहां आप एजुकेशन ले रहे हैं वो भी आपका मंदिर ही है, तो उसे भी साफ करें। तो इस चीज़ में आप सब हमारा साथ देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो चलिए लेक्चर 3 का स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले प्रीएम्बल, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। अभिनंदन साहब की फोटो है, लेक्चर 3 पॉलिटी। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। चलो तो फिर पहले तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं। क्या है प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लिबर्टी टू थ्रू thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunities and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In a constituent assembly this 26th day of November 1949 do herewith adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये हमारा प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल समझने के पहले हम एक चीज़ समझेंगे जो कि है बेसिक फीचर काय का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको क्लियर नहीं होगा, इनर बोर्ड यूज़ कर लूँगा मैं, चलिए कलर चेंज कर देता हूं। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला फीचर्स है इसका, ये रिटन है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। रिटन के साथ साथ क्या है और दूसरा फीचर, सोचते जाओ जल्दी जल्दी, मैंने ये बताया है वेरियस सोर्स है, अलग अलग सोर्सेस से लिया गया, जो कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, क्वेश्चन है, वेरियस सोर्स है। तीसरा फीचर्स क्या है, ये रिग्ड है और फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, है ना। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब और क्या सोर्स हो सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर ऑल्सो आर सोर्सेज। फंडामेंटल राइट, आज़ादी, भाई आपके राइट्स क्या, ये आपको पता होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा तो है नहीं कि बिना राइट्स के आप कुछ भी करे जा रहे हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाई सरकार कैसे रन होगी, विजन क्या होगा सरकार का, ये भी होना चाहिए, ये फीचर्स है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये अब फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, आप लोग आज घर में रहते हो तो घर के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, कि ऐसा ही है कि बिना जिम्मेदारी के आप कुछ भी करे जा रहे हो, है ना। सेकेंड ऑफ थिंग, आपको फीचर्स में से क्या मिलता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को इलेक्शन में पार्ट दिया जा रहा है, अब तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है भाई अपना गवर्नमेंट का, जैसे USA में क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, UK में पार्लियामेंट्री है ना, ये है। और क्या है, एक और फीचर्स है, इधर लिख देता हूं, फेडरल फीचर है इसका एक, कौन सा फेडरल फीचर है, विथ यूनिटरी
बाईस, ये भी तो एक फीचर्स हो गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब भाई एक चीज और है, यहां तक क्लियर, इसके आगे चलते हैं, हम इसे रब कर देंगे। है ना, अब आ जाओ। अब यहां से हम समझते हैं एक मेन कॉन्सेप्ट जो है लेंथियस वाला, लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला। भाई ये क्यों है लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों है ये चीज समझनी पड़ेगी हमें, क्यों है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉवरेन कंट्री, लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉवरेन कंट्री। स्टेट्स में हम बता चुके, अगर आप स्टेट्स की एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा है, अलाबामा का, कल के लेक्चर में क्लियर किया था मैंने ये आप सभी को। तो लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कब से लिखा, कब से बनना चालू हुआ था, 1946 से 1950 के बीच में ये बन गया था, 2 साल 11 महीने ऐसा कुछ लगा उन्हें बना के रेडी करा, ठीक है। क्या फीचर्स थे, क्या फैक्टर्स थे इसके लेंथियस होने के, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ज्योग्राफिकल फैक्टर था, क्या था, सॉरी ज्योग्राफिकल फैक्टर था, क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर था, इतना बड़ा इंडिया है, डाइवर्सिटीज अलग अलग है, सारी चीजों सबको मेंशन करना है, ये चीज थी। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टार मार्क करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे डिटेल्ड एक्ट है, इसका ही हमने 60% लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेक्चर 2 में मैंने बताया था आपको, तो 60% लिया, वैसे ही का वैसा ले लिया, हमें नहीं लगा उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, इस वजह से। थर्ड फैक्टर आप बताओ कौन सा है, चलो मैंने 2 मिनट आपको दिए, 2 मिनट क्या 10 सेकंड बहुत है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर एंड स्टेट ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसए में स्टेट्स के अलग है सेंटर के अलग है, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक तो ज्योग्राफिकल फीचर्स की फैक्टर्स की वजह से ये सबसे लेंथियस हो जाता है, दूसरा हो जाता है ये है क्या हिस्टोरिकल, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आगे, पर आपको पता होना चाहिए हिस्टोरिकल फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन होने के, ठीक है। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे अब हमारे प्रियम्बल में, कहाँ एंटर करेंगे, प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो कि अभी हमने पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा समझा, प्रियम्बल व्हाट इज, प्रियम्बल व्हाट इज प्रियम्बल द इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में हमें क्या पढ़ना है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना है, उसके अंदर है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स सिग्निफिकेंस। तीसरा, कई समय से डिबेट चल रही थी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये किसके सामने डिबेट आएगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। तीसरा, प्रियम्बल के कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कौन से, सेकुलर, जस्टिस, है ना, ये रिपब्लिक, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात अमेंडेबिलिटी, अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, समय समय पे इस पर डिबेट होती रही है। इससे रिगार्डिंग हमारे सामने 2 केस आएंगे, एक तो आएगा बेरी यूनियन केस और एक आएगा केशवानंद भारतीय केस, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब भाई इस पर डिबेट चलती रही है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रियम्बल का, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसके आगे चलते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज, हमें प्रियम्बल में क्या देखना पड़ता है, ये हो गया शॉर्ट। अब चलते हैं हम आगे, सबसे पहले प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता हूं मैं, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ाया ही है मैंने, फर्स्ट टाइम कहां से आया, फर्स्ट प्रियम्बल किसका था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट टू बिगेन इट, प्रियम्बल सबसे पहले कहां था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में था, इसमें कोई दिक्कत मत रहना,
ठीक है, अब जो इंडिया का प्रियंबल है वो किस पे बेस्ड है? प्रियंबल ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कल के लेक्चर, लास्ट लेक्चर 2 में मैंने एक्सप्लेन करा है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन ठीक है, ऑब्जेक्टिव ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय JL नेहरू एंड एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 9 दिसंबर 1946 को, ये चीज आपको पता ही है। 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया जाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया जाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको एडॉप्ट कब करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? याद रखना 22 जनवरी 1947। एडॉप्ट कब किया है? एडॉप्ट कब किया है हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? 22 जनवरी 1947 को, है ना? इसमें कोई गलती मत कर देना, ये ध्यान रखना, ये डेटे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। और क्या करता है? चलो छोटा कर देता हूं मैं इसे। प्रियम्बल डॉट, समझ जाना ये प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। भैया क्या सोचते थे, क्या बताते थे, ये गाइडिंग है कि उस समय के जो हमारे प्रियम्बल बनाने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, है ना? और याद रखना 75 ईयर्स में, 75 ईयर्स में एक ही बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है, अभी तक नहीं हुआ अमेंड। ठीक है, इसमें गलती मत कर देना। कब हुआ है अमेंड? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। ये किस ईयर में आया था? ईयर भी ध्यान रखें 1976 में। क्या अमेंड हुआ, क्या एड ऑन हुआ? तो तीन वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट सेकुलर इंटरग्रिटी। क्या क्या ऐड हुआ? सोशलिस्ट सेकुलर इंटरग्रिटी, ये थ्री वर्ड्स ऐड ऑन किए गए हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 में। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये ऐसा था, ठीक है, मतलब एक चीज हम समझे सेकुलर सोशलिस्ट इंटेग्रिटी से कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो ये तीन वर्ड उस समय मौजूद नहीं थे, ये एड ऑन किए गए थ्री वर्ड्स। ये चीज ध्यान रखना, भूलना मत कभी। अब आ जाते हैं हम हमारे तीसरे सेगमेंट पे। देखो एक एक चीजें क्लियर हो गई, हमने सबसे पहले वो देखा, अब प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस देख लिया, ये सिग्निफिकेंस है। अब हम देखेंगे कीवर्ड्स, वी मूव टू द कीवर्ड्स। व्हाट आर द कीवर्ड्स? पहला कीवर्ड्स कौन सा है जो सबसे पहले है? सॉवरेन। कौन सा है? सॉवरेन। व्हाट द सॉवरेन मींस? सॉवरेन का सीधा सिंपल बात एक है, वी आर सुप्रीम, वी आर सुप्रीम, नो वन इज अबव अस। हम किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहे, हम खुद के इकोनॉमिक डिसीजंस, ट्रेड डिसीजन, कम्युनिकेशन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स खुद के हिसाब से डिसीजंस लेंगे। हमें इंटरनल एक्सटर्नल, हम किसी के प्रेशर में नहीं है, कोई हमारे ऊपर नहीं है। दिस व्हाट मीन्स सॉवरेन, सीधे सिंपल वर्ड्स में याद रखना। सेकेंड कीवर्ड कौन सा है? सोशलिस्ट। कब ऐड हुआ बताओ जल्दी से, अभी तो बताया था सोशलिस्ट, कब ऐड हुआ है सोशलिस्ट वर्ड? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ एडॉप्टेड सोशलिस्ट या सोशलिज्म, है ना? याद रखना सोशलिस्ट या एडॉप्टेड की जगह एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश
socialist pattern, socialist pattern है ना of society in its observation, socialist pattern of society in its अवधि सेशन। याद रखना इस अवधि सेशन में कांग्रेस गवर्नमेंट में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को चुना था। क्या होता है सोशलिस्ट? ठीक है, सीधी सिंपल बात है, आज सोशलिज्म का जो मतलब है हर जगह अलग अलग है, किसी के लिए नेगेटिव है, किसी के लिए पॉजिटिव है। हमारे इंडियन प्रस्पेक्ट में सोशलिज्म का क्या मतलब होता है सोशलिस्ट का, कि गवर्नमेंट सोशलिस्ट का सीधा सिंपल मतलब होता है, ध्यान रखना इसमें गलती मत कर देना क्योंकि यहाँ गलती करोगे तो तकलीफ हो जाएगी, है ना, यहाँ गलती करोगे तो तकलीफ हो जाती है क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, क्या होता है इंडिया में गवर्नमेंट जो होगी, गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सीधी सिंपल बात है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, है ना, सीधी सिंपल बात है। इंडियन के परिप्रेक्ष्य में इसका ये मतलब होता है कि जो सरकार है सोशलिज्म सोशलिस्ट की, वो बात किसकी करेगी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, क्योंकि हम सबका हेल्प करेंगे। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कौन सा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इसको मत समझिए ज़्यादा डेप्थ में, नहीं, इतना ध्यान रखिए कि इंडिया में सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, अब यहां से कौन सा वर्ड आता है, हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा सेकुलर। सेकुलर याद रखना, सेकुलर वर्ड जब आता है, सेकुलर है ना, सेकुलर वर्ड, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सीधी सिंपल बात है, पहली चीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। सेकुलर मतलब भारत की सरकार का कोई धर्म नहीं है और भारत की सरकार के लिए सारे धर्म इक्वल है। दिस व्हाट मीन्स सेकुलर, कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है और भारत का के लिए सारे धर्म इक्वल है, इसमें कंफ्यूज मत होना सेकुलर में। अब आ जाओ डेमोक्रेटिक, व्हाट डज द डेमोक्रेटिक मीन्स, कई लोगों को तो पता ही होगा, है ना, कि उनके लिए कोई नए वर्डिंग्स नहीं हो गए। ठीक है, डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक मींस, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र। ठीक है, मतलब पीपल के पास पावर है, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट इट्स हेड, है ना, हेरिडिटरी नहीं है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पद है ना, पीपलों के हाथ में पावर है। इस चीज का मतलब होता है क्या, कि भैया हमारे यहाँ इलेक्शन हो गए, डेमोक्रेसी है हेड इलेक्ट करने की। इसके बाद आ जाता है सेकंड हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट कीवर्ड, रिपब्लिक। रिपब्लिक, अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब ये है हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हेड ऑफ स्टेट की बात हो रही है, मतलब हेड ऑफ स्टेट यूएसए में कौन है हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वो क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। हमारे यहाँ हेड हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है पर इलेक्टेड है। याद रखना प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट के हेड है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट के हेड है। दिस इज द बिल्कुल एक पतली लाइन है इस चीज को समझने के लिए, यहां गलती मत कर देना। ठीक है, मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स है, इसको बहुत अच्छे से समझना। अब चलो एक चीज बची है, ये नोट डाउन कर लेना, नेचर ऑफ प्रियम्बल, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल का नेचर क्या है भाई। तो वही जो हमने अभी पढ़ा, पहला क्या है,
सॉवरेन, दूसरा कौन सा था जल्दी जल्दी बताते जाओ आप कमेंट करके, सॉवरेन, दूसरा क्या है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, तीसरा बताओ, तीसरा जल्दी सोशलिस्ट। देखो आपको याद होने चाहिए, कभी भी कोई आपसे पूछे हमारा प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए नेचर क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। क्या है, डेमोक्रेसी यूज कर सकते हो और रिपब्लिक। ये चार पांच फैक्टर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारे यहाँ के नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, सॉरी प्रीएम्बल यहाँ वर्ड यूज कर लो आप, नेचर ऑफ भारत का, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमें कहां से पता चला, प्रीएम्बल से पता चला, क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारे यहाँ के नेचर है, इसको मत भूलना, अच्छे से याद रखना। अब आ जाओ, ये चीज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट समझ ली, अब आ जाओ और बाकी कीवर्ड्स के लिए, दूसरा कीवर्ड्स क्या है, जस्टिस, व्हाट डज जस्टिस मीन, जस्टिस का क्या मतलब है, न्याय दिलाना, काय का न्याय दिलाना, किस चीज का न्याय, तो है वर्ड यूज हुआ है सोशल इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट के लिए हमने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लागू कर दिया, सबको हो गया, फंडामेंटल राइट लागू कर दिया तो क्या हो गया, सबको हो गया, तो याद रखना फंडामेंटल राइट इज योर पॉलिटिकल राइट्स, जो कि लीगलाइज एक लॉ बना के लागू किया जा सकता है, ये पॉलिटिकल राइट जो है ना इजी टू अप्लाई है, क्यों, क्योंकि एक कानून बनाया अप्लाई हो गया, पर सोशल, सॉरी आपको वर्डिंग्स में दिख रहे होंगे, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल राइट है क्या, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ये हार्ड टू अप्लाई है ना, टफ टू अप्लाई। अब ऐसा क्यों कह रहे हो सर, आप पूछोगे, देखो सोशल इकोनॉमिकल राइट को हमने कहाँ रखा है, डीपीएसपी में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत है। अब जैसे हमने 2086 अमेंडमेंट एक्ट से एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था सबके लिए, फंडामेंटल राइट बनाया था, पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास सोर्स इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे ही हम केपेबल हुए हमने बना दिया, मतलब हमारा जो मेन मोटो है इन सारे राइट्स को प्रोवाइड कराना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, जैसे जैसे हम केपेबल होते जाएंगे वो सब पॉलिटिकल राइट्स में कन्वर्ट करते जाएंगे, हम उसे लागू करते जाएंगे, सोशल और इकोनॉमिकल, जब तक नहीं है तब तक डीपीएसपी में है, इजी, समझ गए, और इक्वल कर दिया, दो मिनट में रूल बनाया और इक्वल कर दिया, इसमें तकलीफ नहीं है। अब जस्टिस का और क्या मतलब होता है, जस्टिस का मतलब है इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज भी देना, सिर्फ न्याय नहीं, इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज भी सबको प्रोवाइड करना, ठीक है, ये मेन पार्ट है काय का, हमारे प्रीएम्बल का, पहली चीज। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा पार्ट क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको, इसको मैं रब कर देता हूँ, जस्टिस के बाद आता है मेन वर्ड लिबर्टी, व्हाट डज लिबर्टी मीन, भाई आपसे पूछ लिया जाए कभी इंटरव्यू में लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो लिबर्टी का मतलब होता है टू एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी मीन्स टू, व्हाट डज लिबर्टी मीन्स, फिर सुपर लिंक दिया मैंने, लिबर्टी, व्हाट डस लिबर्टी मीन, सबसे बड़ी बात यह है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो लिबर्टी का मतलब ये होता है द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, लिख लो, द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन
है ना, द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, रिस्ट्रेन्स ऑन द एक्टिविटीज एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, है ना, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल. कौन सी एक्टिविटीज है भाई लिबर्टी में? तो थॉट, बिहेवियर, थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप. इन पांच चीजों पे कोई भी आपको रोक नहीं सकता. कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप पे. इस पे रिस्ट्रेन नहीं लगाया जाएगा, आप चिंता मत करो, इसकी आपको फ्रीडम रहेगी लिबर्टी में. तीसरा वर्ड कौन सा है? इक्वेलिटी. क्या है इक्वेलिटी? व्हाट डस इक्वेलिटी मींस? इसमें क्या मतलब है इक्वेलिटी का? ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना. कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए कहाँ? सोसाइटी के अंदर. भाई इसको हटाना है स्पेशल प्रिविलेजेस, जैसे कि स्पेशल राजा, ये क्या है, राजा का टाइटल यूज करना, ये सब ये फंडामेंटल राइट्स में हम समझेंगे. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको इक्वल कर देना है, सब इक्वल है, भारत के नागरिक है, ज्यादा कोई नहीं. जो है संवैधानिक पद रहेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, याद रखना. इसमें डाउट मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है. और क्या बात करता है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस. देखो स्टेटस की बात हो गई और अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई, सबको बराबरी से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. अब जो आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे वो अपन आगे चल के क्लियर कर लेंगे, है ना, कि क्या और क्या दिक्कत हो सकती है जो आप सोच रहे हो, ठीक है. मतलब आने वाले लेक्चर में जब हम फंडामेंटल राइट वगैरह पकड़ेंगे. अब आ जाते हैं हम काय पे, हमारे लास्ट वर्ड पे, जिसका नाम है फर्टिनिटी. क्या वर्डिंग है हमारा? फर्टिनिटी. फर्टिनिटी इसका क्या मतलब होता है? फर्टिनिटी का सीधी सिंपल बात है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड. सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, है ना. सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए. और साथ साथ क्या रहना चाहिए? टू अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना. टू अश्योर, ये क्यों है? टू अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड टू अश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है. फर्टिनिटी, फर्टिनिटी से ये हो गया. अब फर्टिनिटी के लिए अपन ने पता क्या किया, फर्टिनिटी हो सके इजीली, तो हमने क्या किया, सिंगल सिटीजनशिप ले आए. क्या ले आए? सिंगल सिटीजनशिप. अब आप पूछोगे सर कैसे? देखो सिंगल ब्रदरहुड, भाईचारा. आप दोस्त हो, दुश्मन हो, भारत में हो, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, भाई भाई हो. इसमें वो नहीं होना, दुश्मनी है ठीक है, पर दुश्मनी भाईचारे से बढ़ के नहीं, भाई हो आप. इन एंड जब इंडिया की बात आएगी, यू ऑल आर ब्रदर्स, ठीक है. सिंगल सिटीजनशिप लिया मतलब आप हरियाणवी बाद में हो, मराठी बाद में हो, बिहारी बाद में हो, पहले कौन हो आप? एक भारतीय, याद रखना. इन सबके पहले हरियाणवी, आप जैसे वर्डिंग यूज होते हैं कि हम यूपी वाले हैं, हम हरियाणा से, हम एमपी से, नहीं भाई आप इनसे बाद में हो, पहले आप कौन हो? भारतीय हो. ध्यान रखना, फर्टिनिटी का मतलब ये इंश्योर करना इंटीग्रिटी को. अब यहां तक आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे जो मैं मानता हूं, है ना. और सिंगल सिटीजनशिप काय के लिए लाया गया था? टू प्रमोट फर्टिनिटी को. अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे. अब इसमें हम समझेंगे क्या, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखा था. क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? यस. अगर मैं ऐसे यस कह दूं तो हाँ है. अब कैसे यस कह दूं? इसके लिए देखो सीधी सिंपल बात है, डिबेट चलती रही है काफी लंबे समय तक, 15-20 बार डिबेट हुई, ठीक है, डिस्कशन हुए, सारे हुई. तो
तो आखिरी में कुछ केसेस है, देखो ये केसेस है, आपको लिमिटेड समझने, लिमिटेड पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप लॉ स्टूडेंट हो, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो भारत की, है ना, तो आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पर हाँ इन केसेस के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला केस है बेरूबेरी यूनियन केस, कब हुआ था, 1960 में ये बहस चालू हो गई थी कि वो भारत का संविधान है कि नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज बेरूबेरी यूनियन केस में याद रखिएगा क्या बोल दिया गया था, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा केस होता है केशवानंद भारतीय केस, कब हुआ, 1973 में, याद रखिएगा कब हुआ केशवानंद भारतीय केस, 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हाँ ठीक है, बाद में बना कुछ बना, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसको और अच्छे से समझेंगे, यहाँ अपने ही को केस के फैसले को बदलते हुए हमें सुप्रीम कोर्ट देखा। अब एक और ऐसे ही केस हुआ था, LIC केस, कब हुआ था, 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने साफ साफ बोल दिया LIC केस में कि इट इज प्रिय, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है भाई, बिल्कुल अभिन्न अंग है, ठीक है। ये तीन केस आपको याद रखने, ये प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तीनों के वर्डिक्ट आप याद रखो या ना रखो, पर इतना याद रखना किस में पार्ट बोला, किस में इंटीग्रल बोला और किस में नहीं बोला, ठीक है। अब करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द करंट स्टेटस, क्या है स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, करंटली करंट स्टेटस क्या है प्रियम्बल का, याद रख लेना। प्रियम्बल इनेक्ट किया गया है किनके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से आ गया। तो इस डिबेट को सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है और कहता है कि देखो भारतीय संविधान जब बना तो भारतीय संविधान बनने के बाद ही उसकी हम क्या बना सकते हैं, समरी बना सकते हैं। प्रियम्बल इज लाइक अ समरी, कि हमें बताता है भारतीय संविधान कैसा होगा, इसलिए हम इसे इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। जैसे कि आप कोई भी बुक है, बुक की कभी समरी बुक बनने के पहले नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो बाद में ही बनेगी, बुक लिखने के बाद उसकी समरी लिखी जाएगी। तो ऐसे ही हमारे भारतीय संविधान के साथ है कि प्रियम्बल बाद में क्यों इनेक्ट किया गया, क्योंकि पहले तो संविधान बना दे, जो हमारे मेकर्स के दिमाग में रहा होगा कि भाई पहले संविधान तो बना दे, ऐसा ना हो संविधान में लिखा कुछ है और हम प्रियम्बल में कुछ और करें। इसके साथ दो चीजें और बताई सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखना, पहली चीज तो है पाठ, दूसरी चीज क्या बताई, कि दूसरी चीज ये बताई कि प्रियम्बल जो है इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। प्रियम्बल जो है कोई भी क्या है, प्रोहिबिट नहीं करता है लेजिस्लेचर को और कोई भी पावर नहीं देता है किसे, लेजिस्लेचर को, है ना। इट्स अ ओनली अ गाइडिंग टूल, ये गाइडिंग टूल है किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाइडिंग टूल है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। या इसे सीधी सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, प्रियम्बल इज अ विजन नॉट अ लीगल, ठीक है। लीगलिटी के लिए तो हम क्या देखते हैं, हमारा आर्टिकल जो संविधान के अंदर लिखे है, ठीक है, ये विजन है भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनका एक विजन बताता है संविधान का, ठीक है। लीगल नहीं है, लीगल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसे जुडिशियबल क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट इन जुडिशियबल, इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इट्स अ गाइडिंग लाइट है, ये गाइडिंग लाइट है हमारे लिए प्रियम्बल, ध्यान रखिए इसमें मिस्टेक मत कर देना। अब नॉट लास्ट क्वेश्चन बचता है इसकी अमेंडेबिलिटी पे, काय पे बात आती है, अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट किए जा सकते कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रियम्बल पे, हाँ इस पर भी डिबेट चलती रही काफी समय से, लंबे समय तक प्रियम्बल या फंडामेंटल राइट में डिबेट हो सकती, तो कैसी हो सकती कैसी नहीं हो सकती। तो इसके लिए एक ही व्यू पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड, एक ही व्यू पॉइंट आता है, बट नॉट द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन। भाई पूरे संविधान को आप अमेंड कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, पर बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते। अब ये बेसिक फीचर कौन बताएगा, बात यहां से आ गई। ये बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टाइम पे कौन बताता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट बताता है। जैसे कि आपको एक वर्ड के थ्रू समझा होगा, सेकुलर, सेकुलर, सेकुलर इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकुलर, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट कोई भी कोई ऐसे काम नहीं होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक ही बार अमेंड हुआ हमारा प्रीएम्बल, कब हुआ है, कई बार बता दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या क्या ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सॉवरेन और क्या, इंटरग्रिटी, यही ऐड किया गया ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटरग्रिटी, ये तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आई हमारे, हमें प्रीएम्बल पढ़ने में, कि हमें इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं, बस डेट से याद रखनी, कौन सा ऐड, डेट पे क्या ऐड हुआ क्या नहीं हुआ। प्रीएम्बल एक बेसिकली जो है वो है क्या, हमारा समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन तो बनेगी नहीं, जो बनने वो मैं बता दूंगा, जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक कब ऐड हुआ, किसका क्या मतलब है। और एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता कि नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब जो हमारा लेक्चर 4 होगा, बेसिकली लेक्चर 4 होगा इंडियन आर्टिकल पार्ट, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसमें हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े रहे आखिरी तक कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज करेंगे जो कि इन दो लेक्चरों में हुई है। तो चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, भाई रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774, क्या ये था, इट क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये था, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या ये था, इट एस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर, ये था, क्या क्या थी। तो सीधी सिंपल बात है, आप सभी ने पढ़ा है 1, 2, 3, तो इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हुआ, क्योंकि ये तो था ही नहीं पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, 1773 में बात ही नहीं हुई, तो बाद में आया है, कौन से एक्ट से आया, चार्टर एक्ट से, आप कमेंट करके बताओ। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइलेंट फीचर क्या है, फेडरल एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी है, हाँ है, डायरकी एट द सेंटर है, अबोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट है, तीनों चीजें, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू रिगार्डिंग द मोलेमेंटो रिफॉर्म, मोलेमेंटो रिफॉर्म मतलब 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को हम चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या ये सही है, हाँ लग तो रहा है। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, जी हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट आया था मुस्लिम्स के लिए, बोथ 1 एंड 2। Which were the changes introduced by the Indian Independence Act 1940? क्या क्या changes आए थे 1947 से? To provide right to succeed of British Commonwealth था, it gave two option princely state either join neither India or Pakistan, ये आप सभी को पता है, it made India a dominion, देखना, it abolished the office of Viceroy, तो पहली चीज तो ये तो था नहीं, कौन सा प्रिंसली स्टेट, एग्जाम्पल ज्वाइन नीदर इधर पाकिस्तान और इंडिया, ये तो था नहीं। सेकंड, तो ऑप्शन क्या सही होगी, 1, 3 एंड 4 किसमें गिवन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1, 3 एंड 4 आर द करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया, नॉट रिपब्लिक, डोमिनियन में हम याद रखना, तो सही आंसर कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कैबिनेट मिशन के अंदर, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है 1946। द ऑल इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटीज हैड टू डिस्टिंग्विश जुरिस्ट एंड द लॉयर्स अमंग द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दे वेयर, कौन कौन है भाई इनमें से, बी एन राव, के एम मुखर्जी, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी, देखते हैं, बी एन राव नहीं, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी नहीं, तो ये है कृष्णा स्वामी एंड के एम मुंशी विल बी द करेक्ट आंसर, अय्यर साहब और मुंशी साहब।
After the creation of Constituent Assembly, Pakistan 1947, the membership of Constituent Assembly of India reduces to 299 from 389. Earlier, what was the total number of member of province in the Constituent Assembly? अच्छा question है, याद रखना. Total number of province कितने बचे थे? 229. याद रखिएगा. और 70 आए थे princely state से. The Constituent Assembly of India was passed and adopted on which of the following day? भैया Constituent Assembly कब पास हुई है? याद है 26 नवंबर 1949 के दिन बना है हमारा क्या Constituent Assembly. The National Anthem was adopted by the Constituent Assembly on which of the following day? ये तो पता ही होना चाहिए. चलो right answer will be option A. Thank you. चलो याद रखिएगा starting में जो हमने बात करी 14 तारीख को बहुत अच्छे से, और अब लेक्चर 4 में हम बात करेंगे यूनियन एंड टेरिटरी की. चलिए तो अगले लेक्चर में मिलते हैं. जय हिंद. अपना ध्यान रखिएगा.